नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज। मैं हूं आपके साथ कंचन सिंह राजपूत। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। कोरोना काल में चलते जहां आंगनबाड़ी तो चालू थी, लेकिन बच्चों को सूखी खाद्य सामग्री बांटी जा रही थी। क्षेत्र की सभी आंगनबाड़ियों में आज से बच्चों को आंगनबाड़ी में पका सुबह नाश्ता, दोपहर का भोजन दिया गया। वहीं आज भोजन चालू करने के उपलक्ष्य में बच्चों को आंगनबाड़ी में तिलक लगाकर आरती उतारकर स्वागत किया गया। वार्ड क्रमांक 3 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सावित्री परते ने बताया कि कोरोना के चलते आंगनबाड़ी में भोजन बंद था। आज से भोजन चालू होने के उपलक्ष्य में बच्चों को लड्डू खिलाकर सम्मान कर रहे हैं। नसरुल्लागंज से ट्रानमिया की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम श्रीमती सावित्री परते है। मैं एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हूँ, वार्ड नंबर 3 नसरुल्लागंज एरिया की। आज आंगनबाड़ी में क्या कार्यक्रम है? आज आंगनबाड़ी में मध्य प्रदेश शासन द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि सभी वार्ड के बच्चों को बुलाइएगा और उनका स्वागत सत्कार कीजिए। आंगनबाड़ी शुभारम्भ हो रही है। तो खाना क्या पहले से नहीं बट रहा था क्या? जी, पहले से नहीं बट रहा था, लॉकडाउन में बंद था खाना। आज से शुरू हुआ की वजह से। जी, आज क्या क्या बांटा खाने में? आज खाने में हलवा आया है अभी। और हलवा आया अभी, नाश्ता आया नहीं है। नाश्ते का समय नहीं हुआ अभी। हलवा और क्या, लड्डू बांटे? जी, लड्डू बांटे है। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।